हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले 10-12 साल से रियल एस्टेट के अंदर हूं और रियल एस्टेट में काम कर रहा हूं, और मैं दिल्ली एनसीआर में काम करता हूं रियल एस्टेट का। तो आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो था मुझे शेयर करना है, और आपको बताना है कैसे आप लोग रियल एस्टेट के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। जैसे कि हम देखते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा जो था अर्निंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आज देखते हैं कि 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी बहुत सारे युवा जो थे परेशान हो रहे हैं और नौकरी के लिए भागे भी रहे हैं। नौकरी के लिए बहुत सारे युवा परेशान हैं, रोज इंटरव्यू की लाइन में लग रहे हैं, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी जो ग्रेजुएट बंदे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं, 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि रोजगार उतना नहीं है। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत सारा है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ बात करूँ रियल इस्टेट के सेक्टर की, बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दुनिया के जितने भी मिलेनियर्स हैं, लगभग 70-80% रियल इस्टेट से हैं। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं जहां से दुनिया के जो मिलेनियर्स हैं 70-80% है, तो वाकई हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं 10-12 साल से रियल इस्टेट में हूँ और बहुत अच्छे से, बहुत जो था मैं यहाँ पे बहुत अच्छी मैंने अर्निंग भी की है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी भेजे हैं। बट हमें एक चीज के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो हमें देखना पड़ेगा किसका प्रोजेक्ट बेचना है। जैसे कि आजकल अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बाद से सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रही है फ्लैट की और कमर्शियल प्रोजेक्ट की उतनी नहीं है जितनी जमीन की है, जो कि प्लॉट्स हैं, चाहे वो अब प्लॉट्स फ्री होल्ड हो या प्लॉट आपके अप्रूव्ड हो, दोनों तरह के प्लॉट्स की। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं प्लॉट्स में भी, एक मतलब जो होता है कि प्लॉट है जिसका रेट ही 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार से या 1 लाख रुपए गज है, वहां पे क्या होता है ना कि जो टिकट साइज है हमारा बड़ा होता है, तो वहां पे हमें डील करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हमें कस्टमर जो होते हैं वो लिमिटेड कस्टमर होते हैं, तो जो इनका बड़ा, जैसे मान लिया 50 लाख का प्लॉट लेगा कोई, 1 करोड़ का प्लॉट लेगा, तो उसके लिए हमें बहुत सारे बायर जो थे फिल्टर करने पड़ते हैं, महीने में, 2 महीने में, बहुत बार 2-2, 3-3 महीने एक एक डील में लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि जो प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो चीज मैं बता रहा हूँ, कंपनी के डॉक्यूमेंट और लीगलिटी और उसका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो हमें देखना है कि जो 10-12 हजार, 15 हजार के अंदर का जो प्रोजेक्ट है, जो कंपनीज इस तरह के प्रोजेक्ट कर रही है, चाहे वो फ्री होल्ड हो या फिर वो अप्रूव्ड हो, जैसे जीडीए से भी अप्रूव्ड होते हैं, ग्राम पंचायत से अप्रूव्ड होते हैं, या फिर जो था अलग अलग जो था उसके किस्म होती है, उसके लिए हमारा जो सेमिनार रहती है हमारी एवरी थर्सडे रहती है दिल्ली के अंदर। तो जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं वो यहाँ पे आराम से कामयाब हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि रियल इस्टेट में आप पूरी दुनिया में हर जगह रियल इस्टेट होता है, बहुत सारे लोग दुबई बेच रहे हैं, कनाडा बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग जो थे इंडिया में भी लखनऊ में बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग पटना में बेच रहे हैं, दिल्ली में बेच रहे हैं, गुड़गांव में बेच रहे हैं, नोएडा में बेच रहे हैं, तो बहुत सारी जगह है ये लोग जो थे कामयाब। दूसरी बात, रियल इस्टेट के अंदर अक्सर क्या होता है ना कि कुछ लोग जो कामयाब नहीं हो पाते, उनकी वजह ये है कि रियल इस्टेट के अंदर रेगुलर इनकम नहीं है। जैसे कि आपने कोई भी सेल की, आपके रेफरेंस पे सेल होती है रियल इस्टेट के अंदर, आपको पता है आपके रेफरेंस में 2, 4, 10, 20 लोग थे, इस महीना आपने उनको सेल कर दी, बाकी आगे आने वाले 3-4 महीने तक कोई सेल नहीं आती, तब आप क्या होते हैं ना, डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर रियल इस्टेट के अंदर रेगुलर इनकम हो, यानी आपका एवरी मंथ कंटिन्यू सेल हो, आपकी हो या आपके साथ में कंटिन्यू सेल होती रहे, आपकी सेल हो या ना हो, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हर महीने मिलता रहे, तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं, इस तरह की आप करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के साथ में, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें कुछ कंपनीज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जिन कंपनी में बहुत अच्छा यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलता है और रेगुलर मिलता है, फिक्स एक तरह से इनकम सी हो जाती है आपकी, यानी महीने में आप कम से कम स्टार्टिंग लेवल पे, जब आप स्टार्टिंग लेवल पे आते हैं तो फर्स्ट मंथ से आप कम से कम 50 हजार से 1 लाख रुपया पर मंथ तक कमा सकते हैं।
तो जो लोग ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हूँ, जैसे कि मैंने बताया 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कोई भी कंपनी के साथ अगर ज्वाइन करता हूँ, किसी का भी प्रोडक्ट अगर बेचने की बात करता हूँ, तो मैं उन लोगों के पहले लीगेलिटी और डॉक्यूमेंट पे सबसे पहले ध्यान देता हूँ कि उनकी लीगेलिटी क्या है, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है, जमीन के कागज हैं नहीं है, कोई एग्रीकल्चर जमीन तो नहीं है, या फिर वो जमीन किसान से एग्रीमेंट करके तो नहीं बेची जा रही है, वो सारी चीजों की लीगेलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कंफर्म करता हूँ। बहुत सारी कंपनी के साथ मैं ज्वाइन हूँ जहां से मुझे अच्छा खासा इंसेंटिव आता है, और बहुत आसान काम है। देखिए, अगर हम 10-12-15 हज़ार रुपए की जॉब के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का टाइम दे सकते हैं, तो क्या हम अपना एक फ्रीलांसर ऐसा बिजनेस है ये कि यहाँ पे हम अपनी जॉब करते करते इसको कर सकते हैं, इसको अपना बिजनेस करते करते कर सकते हैं। और जब से जो पहला लॉकडाउन आया है, लोगों को समझ में आया है कि प्लान बी होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एवरी थर्सडे वीक के 3 बजे सेमिनार होती है, जो कि हमारा ऑफिस दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास है, यहाँ पे सेमिनार होती है एवरी थर्सडे। यहाँ पे ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, ना कोई ज्वाइनिंग की फीस है, ना आपको सेमिनार ज्वाइन करने के लिए कोई फीस देनी पड़ती। ऑफिस रियल इस्टेट के दिल्ली में हर लोकेशन पे है, तो आपके यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, यानी आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। लेकिन रियल इस्टेट का बिजनेस करने के लिए जो रियल इस्टेट वाले लोग हैं, जो रियल इस्टेट में ऑलरेडी कर रहे हैं, वो लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं। और हकीकत बता रहा हूँ, एक बार आएंगे प्रोग्राम को समझेंगे। देखिए, सिस्टम होता है हर चीज का। अगर मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर इनकम रियल इस्टेट के अंदर, जो बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में ऑलरेडी कर रहे हैं, वो इस चीज को मजाक समझेंगे। तो रियल इस्टेट में यहाँ पे आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं, और कैसे आप 100% से ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, इस चीज की प्रॉपर हमारी सेमिनार और ट्रेनिंग होती है। इस चीज को आप थोड़ा इस तरह समझिएगा, जैसे कि लोग कहते हैं, अभी जैसे कि मैंने कहा है कि आप यहाँ पे 100% से ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। अब 100% से ज्यादा बेनिफिट सुनते ही कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, लगता है क्या फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, सिस्टम होता है हर चीज का। अगर मैं आप लोगों से एक सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ, कि मैंने आपको एक लोहे की कील दी बड़ी सारी, मैंने कहा है कि आप इसको हवा में उड़ा दीजिए, नहीं उड़ा पाएंगे, नहीं आप उड़ा पाएंगे, ना ही मैं। मैंने कहा पानी में तैरा दीजिए, ना पानी में आप तैरा पाएंगे, ना मैं तैरा पाऊंगा, क्योंकि वो लोहा सिस्टम में नहीं है। क्या आपको नहीं लगता लाखों टन लोहा हवा में उड़ रहा है? क्या आपको नहीं पता कि लाखों टन लोहा जो था पानी में तैर रहा है, वो क्यों तैर पा रहा है, और वो एक कील क्यों नहीं तैर रही है? क्योंकि सिस्टम जो था ना, वो सिस्टम के अंदर है लोहा। अगर आप सिस्टम को समझेंगे, आएंगे सेमिनार ज्वाइन करेंगे, तो आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 100% से ज्यादा इंसेंटिव कमा सकते हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस है रियल इस्टेट का। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, और आप आइए, आपका स्वागत है। जब भी आप सेमिनार लेना चाहें, एवरी थर्सडे होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को हिंदुस्तान के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए ही हम वीडियोस लेके आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर बनाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे एक तरह से मतलब रियल इस्टेट के अंदर जुड़े, और वो 10-12 हज़ार रुपए की जो कब तक करेंगे आखिर? अगर सपोज मैं 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, तो वही सिस्टम ट्रांसफर होता जाएगा। यार, ग्रेजुएशन इसलिए थोड़ा ही ना किया था, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट किया कि 15-20 हज़ार रुपए, यार 15-20 हज़ार रुपए आज एक सब्जी की ठेली वाला कमा रहा है। ये सेक्टर ऐसा है, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्वालिफिकेशन जरूरी है, लेकिन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका टैलेंट चाहिए। देखिए, जिसको बेचना आता है ना, जो कुछ भी बेच सकता है, वो कुछ भी खरीद सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करना, तो प्लीज आप आइए और ज्वाइन कीजिए, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। सेमिनार फ्री में है, सारी ट्रेनिंग फ्री में है, ज्वाइनिंग फ्री में है, आप अपना बिजनेस करते करते कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे जो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते ऐसा पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेस है।